जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझ नहीं पाई कि सर आप कहना क्या चाहते हैं। नो सर, नॉट एट ऑल। डॉक्टर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप MBBS है, MS है, गोल्ड मेडलिस्ट है। PK आपका नाम है प्रवेश कुमार, आप इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं और यूथ एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। ऑर्थोपेडिक आपकी फील्ड है और आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। पर सर क्या आप मुझे बताएंगे ये पूर्ण आनंद क्या है? डॉक्टर मैं हूँ और पूरा डाइसेक्शन आपने कर दिया। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? जीवन में कुछ अधूरा है। आज का इंसान, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो या गृहस्थ हो, अपने साथ एक अधूरापन लेके घूम रहा है जो उसे पूर्ण नहीं होने देता। होना चाहता है आनंदित लेकिन होता है दुखी। ठीक है सर, आपकी कुछ कुछ बातें समझ आ रही है, आप थोड़ा एग्जांपल देके समझाइए। काजल आप मुझे बताएं, क्या कोई ऐसी बात है जो आप बचपन में करना चाहती थी, किसी कारण से अधूरी रह गई या शुरू ही नहीं हो पाई? मैं जी हाँ सर, मैं म्यूजिक सीखना चाहती थी। तो आपने सीखा, शुरू किया? जी सर, शुरू किया था पर छोड़ना पड़ गया। क्या पूरी तरह छूट गया या आपके माइंड में, जहन में अभी भी अटका हुआ है? जी सर, अभी भी अटका हुआ है। क्या उसको आप दोबारा शुरू करेंगे, क्या ऐसा सोचते हैं? नो सर, नॉट एट ऑल। क्या उस नाकामी के लिए आप उदास हो सकती हैं, रो सकती हैं? जी क्या कह रहे हैं आप, मैं कुछ समझ नहीं पाई कि सर आप कहना क्या चाहते हैं। आपकी लाइफ का सब्जेक्ट जो अधूरा है उसे पूरा करना जरूरी है, या तो उसे अलाइव कर दो। कर सकते हो? नो सर। देन इट इज डेड। उसका पूरा दुख मनाओ, उसके लिए रो लो, उसके लिए उदास हो जाओ, लेकिन पूर्ण करो और लेट द डेड लीव्स ड्रॉप एंड यू मूव अहेड। डू नॉट कैरी डेड बॉडी, क्राई फॉर इट एंड कंटिन्यू योर लाइफ जर्नी। ठीक है सर, मुझे ऐसा लग रहा है ये टॉपिक अभी और यही खत्म हो गया। I'm feeling so light. Thank you so much, sir. Really? यही है पूर्णता जो आनंद देता है। It worked like magic. मैं unnecessary बोझ लेके बैठी थी। Thank you, sir. देखो काजल, जो तुम्हारी सहन में है, माइंड में है, उसको या तो पूरा कर लो या पूरी तरह निकाल दो, लेकिन पूर्ण करो, अधूरा मत छोड़ो, अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट कर दो, नहीं तो सारी जिंदगी वो एक स्कार की तरह आपको टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, ग्रो नहीं होने देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है हर वर्ग के लोग अपनी लाइफ में अधूरे चल रहे, अपने सिचुएशन में इनकम्प्लीट है और आपके गाइडेंस की उनको बहुत जरूरत है। मैं आपसे दोबारा बात करना चाहूंगी सर यूथ को लेकर, आप प्लीज उनके लिए कुछ करें, उनके लिए कुछ कहें। थैंक यू। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप PK सर के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए और उनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए @PK ऑर्थो। थैंक यू।